नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में हम लोग रेलवे विज्ञान में केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज वन लाइनर और उस पर आधारित बेस्ट एमसीक्यू देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से और आज का जो चैप्टर है वो है कार्बन और कार्बनिक यौगिक तो आइए देखते हैं इसके प्रमुख वन लाइनर और एम प्राण शक्ति का सिद्धांत किसने दिया प्राण शक्ति का सिद्धांत किसने दिया तो बर्जिलियस ने किसने बर्जिलियस ने पहला कृत्रिम कार्वनिक यौगिक कौन है पहला कृत्रिम कार्वनिक यौगिक कौन है तो वो है यूरिया पहला कार्बनिक यौगिक का निर्माण किसने किया तो फ्रेडरिक वॉलर ने अठारह सौ में किया किसको यूरिया को किया यूरिया का फॉर्मूला होता है एन एच टू सीओ एन एच टू या सी एच फोर एन टू का संश्लेषण यूरिया के संश्लेषण में इस यौगिक का उपयोग किया जाता है यूरिया के संश्लेषण में इस यौगिक का उपयोग किया जाता है तो अमोनियम साइनेट का उपयोग किया जाता है एन एच फोर प्लस एन सी ओ माइनस का हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं कौन कौन तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषता क्या होती है तो कार्बन के परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है जैसे एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया और <ार> असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषता होती है कि कार्बन के परमाणुओं के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है यानी डबल बंड या ट्रिपल बंड होता है एल्किन या एल्काइन एलकेन का सामान्य सूत्र होता है सी एन एस टू एन प्लस टू सी एन एच टू एन प्लस टू काफी बार ये सब जो है सामान्य सूत्र पूछा जाता है एल्किन का होता है सी एन टू एन और एल्काइन का होता है सी एन टू एन माइनस टू होता है एल्केन में सिंगल बॉन्ड एल्किन में डबल बॉन्ड एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है एल्को एल्केन को और क्या कहा जाता है एल्केन को और क्या कहा जाता है तो पैराफिन कहा जाता है एलकाइंस सी एन एस टू एन माइनस टू का क्वनांग किससे ज्यादा होता है आंसर हो जाएगा एल्के से ज़्यादा होता है और एल्कीन से भी क्योंकि एल्काइंस सी एन एस टू एन में, में त्रिबंध होता, होता है यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है एसिटिलीन सी टू एस टू का मुख्य कार्य क्या है तो पोलिथीन निर्माण में है क्या है पोलीथिन निर्माण में है एसिटिलीन सी टू एस टू का उपयोग किस में किया जाता है कि न्यूप्रीन के निर्माण में किया जाता है एसिटिलीन सी एन सी टू एस टू का उपयोग क्या है तो फलों को पकाने के लिए किया जाता है यानी एसिटिलीन का तीन उपयोग काफी इंपॉर्टेंट है निर्माण में नियोप्रिन के निर्माण में और फलों को पकाने के लिए सजातीय श्रृंखला क्या है तो समान कार्यात्मक समूह वाले यौगिकों के समूह है जो कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करते हैं सजातीय श्रृंखला कहलाती का है कार्बन श्रृंखला की लंबाई के बावजूद एक समजातीय श्रृंखला में यौगिक समान कार्यात्मक समूह की उपस्थिति के कारण समान रासायनिक गुण होते हैं समझाती श्रृंखला में आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ कौन से गुण बढ़ते हैं तो भौतिक गुण गलनांक और घुलनशीलता संवेदनाहारी के रूप में किसका उपयोग किया जाता है तो क्लोरोफॉर्म सी एस थ्री सी एल का उपयोग किया जाता है सी एस थ्री सी एल का किस यौगिक का उपयोग विद्युत अग्निशामक के रूप में किया जाता है तो सी सी एल फोर पायरीन का आइए ईंधन के बारे में जानते हैं कार्बनिक पदार्थों का विघटन किसके द्वारा होता है तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है तो बैक्टीरिया के द्वारा वे सभी पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं ईंधन जैसे लकड़ी कोयला पेट्रोल डीजल एलपीजी सीएनजी आदि जो है सब ईंधन है कौन सा उपकरण वाहनों से निकलने वाले जहरीली गैसों को हानि रहित गैसों में बदल देता है तो वह है उत्प्रेरक परिवर्तक हाइड्रोजन को कहा जाता है तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को जो है वो भविष्य का ईंधन कहा जाता है और यूरेनियम को जो कहा जाता है वो आशा के धातु कहा जाता है पेट्रोलियम और एथिल अल्कोहल के मिश्रण को कहा जाता है गैसोहोल गैसोहोल पेट्रोलियम और एथिल अल्कोहल के मिश्रण को कहा जाता है गैसोहोल कोक कोयला गैस अमोनिया कोलतार आदि प्राप्त होते हैं कोयले के विनाशकारी आसवन से प्राप्त होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक 90 से पंचानवे परसेंट होती है कोक कहलाती है कोयले से तैयार किए जाने वाले ठोस ईंधन कहलाता है, है क्या है कोक क्या है कोक वायु कार्बन गैस को क्या कहा जाता है बायु कार्बन गैस को क्या कहा जाता है तो प्रोड्यूसर गैस सीओ प्लस एन टू भाप हंगार गैस को क्या कहा जाता है जल गैस सीओ प्लस एच टू प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण होता है मिथेन तेरासी परसेंट और इथेन जो है, है सोलह परसेंट जब प्राकृतिक गैस को अत्यधिक संपीडित किया जाता है तो सी एन जी प्राप्त होती है क्या प्राप्त होती है सी एन जी प्राप्त होती है आइए अब एल के बारे में जानते हैं घर में गैस का उपयोग किया जाता है एलपीजी का तरलीकृत पेट्रोलियम गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस कौन सी गैस बर्तन में तरल अवस्था में भरी जा सकती है तो वह है एलपीजी का गंध के लिए एलपीजी गैस में सल्फर का कौन सा यौगिक मिलाया जाता है तो इथाइल मैप्टन मिलाया जाता है क्या है इथाइल मैप्टन एथिल किस तत्व का यौगिक है तो सल्फर इस तत्व का यौगिक है प्रेशर फिलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है एलपीजी गैस भरने के लिए पंप की प्रणाली का उपयोग किया जाता है पेट्रोल भरने के लिए क्या है पेट्रोल भरने के लिए कौन सा ईंधन मुख्य रूप से इथेन प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण है इसके घटक सामान्य ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन है यह तरल के रूप में होती है तो जिसे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहा जाता है एलपीजी में क्या क्या रहता है इथेन प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण रहता है ब्यूटेन में भी नॉर्मल ब्यूटन और आइसो रहता है एलपीजी एक क्या है गंधहीन गैस है एलपीजी गैस में दुर्घटना से बचने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है तो सल्फर यौगिक है थाइल कैप्टन का किसी ईंधन के एक ग्राम को पूर्णतः जलाने पर प्राप्त उष्मा की मात्रा कहलाती है उस ईंधन का उष्मीय मान किस तत्व का उष्मीय मान सबसे अधिक होता है तो हाइड्रोजन का जो है उष्मीय मान सबसे अधिक होता है नौकिंग यानी होटन को कम करने के लिए ईंधन में किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है तो टेट्रा एथिलेड को टेट्रा एथिलेड को टी को और बेंजिन को ईंधन की गुणवत्ता दिखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या को ऑक्टेन संख्या और सीटेन संख्या को सभी दहन अभिक्रियाएं ऑक्सीकरण अभिक्रिया हैं लेकिन सभी ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं दहन अभिक्रिया नहीं है श्वसन किसका उदाहरण है तो धीमा दहन का उदाहरण है कौन सी उसमें छेपे ऑक्सीकरण रासायनिक प्रतिक्रिया है तो श्वसन की प्रक्रिया है एलपीजी में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है इथेन तो पाया जाता है क्या है इथेन पाया जाता है सी के मुख्य रूप से क्या पाया जाता है सी में तो मिथेन पाया जाता है सी में मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा मिथेन पाया जाता है एलपी में मुख्य रूप से ब्यूटेन पाया जाता है या इथेन पाया जाता है ये दो काफी इंपॉर्टेंट एलपीजी में इथेन पाया जाता है अगर इथेन ना दिया हो तो ब्यूटेन रहता है और सी में मिथेन पाया जाता है मुख्य रूप से वे कार्बनिक यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचनात्मक सूत्र भिन्न होते हैं कहलाते हैं समाव्य यानी आइसो मर्स कहलाते हैं जैसे ब्यूटेन है सी एच फोर एच टेन में दो समाव्य भी है आइसोमर्स है समान ब्यूटेन और आयसो ब्यूटेन है असंतृप्त हाइड्रोजन के जलने पर कौन सा रंग की ज्वाला निकलती है तो पीला रंग है असंतृप्त हाइड्रोजन के जलने पर कौन सा रंग की ज्वाला निकलती है तो पीला रंग भोपाल गैस द्रास्थी किस गैस की वजह से हुई थी काफी बार पूछा भी गया है आगे भी पूछे जाने का उम्मीद है मिथाइल मिथाइल तो मिथेन को सी एच फोर को किस गैस को फायर डंप कहा जाता है तो मिथेन सी एच फोर को कोयला खदानों में विस्फोट के लिए किस गैस के मिश्रण का उपयोग किया जाता है तो मार्स गैस को सी एच फोर को प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है तो मिथेन सी एच फोर अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या है ओ एच है क्या है ओ एच है किस अल्कोहल को बुड स्प्रिट भी, भी कहा जाता है भी कहा जाता है यानी लकड़ी का जो है, कहा जाता है तो वो हैल्कोहल सी एच थ्री ओ एच सी एच थ्री ओ एच कौन सी शराब पीने के लिए जहरीली होती है कौन सी शराब पीने के लिए जहरीली होती है तो मिथाइल अल्कोहल सी एच थ्री ओ एच इथेनॉल की सोडियम के साथ प्रतिक्रिया के से कौन सी गैस उत्पन्न होती है तो हाइड्रोजन गैस एच टू 2NH2CH3CH2OH2CH3CH2ONa+H2। एन खाद्य पदार्थों को परिरक्षित करने में किसका उपयोग किया जाता है तो बेंजोइक अम्ल के C6H5ONa। C6, सिक्स अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या है सी डबल ओ एच चीटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो फार्मिक एसिड एच सी डबल सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है सिरका में एसिटिक अम्ल सी, एस, सी ओ एच। गुर्दे पथरी के निर्माण के लिए कौन सा अम्ल उत्तरदायी है तो वो है अम्ल अम्ल क्या है गुर्दे की पथरी में कौन सा यौगिक पाया जाता है तो कैल्शियम ऑक्जोलेट क्या है कैल्शियम ऑक्जोलेट एस्टर में कौन सी गंध पाई जाती है तो फलों की गंध क्या है फलों की गंध डाई इथाइल इथर एक एस्टर का उपयोग संवेदनहारी के रूप में किया जाता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आई द्वारा अनुशंसित कार्बनिक रासायनिक यौगिकों अनुशांसित्बनिक विधि को कहा जाता है आई नाम कहा जाता है किस समूह का समान नाम और आणविक नाम एक समान होता है तो वो है समूह का और किस कार्बनिक यौगिक में इसके सीसी परमाणुओं के बीच वैकल्पिक दोहरा दो होता है तो वह है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किस सुगंधित यौगिक का उपयोग विस्फोट के रूप में किया जाता है तो वो टी टी को ट्राइनाइट्रोटोलियन टीएन बी ट्राइनाइट्रोबेजिन बेंजोइक अम्ल का उपयोग क्या है तो खाद परिरक्षक के रूप में है किस यौगिक का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है तो डी डी टी किस सुगंधित यौगिक का उपयोग जमेक्सिन के रूप में किया जाता है तो बी एस सी बेंजिन हेक्सा RDX का फुल फॉर्म क्या है रिसर्च डिपार्टमेंट एंड एक्सप्लोसिव या रॉयलेशन एक्सप्लोसिव की खोज किसने की है इन्हें पुरस्कार दिया जाता है। Dynamite बनाने में किसका उपयोग किया जाता है टीएनजी का क्या है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग किया जाता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का किस यौगिक में घटक समान होते हैं लेकिन संरचना और गुण भिन्न होते हैं तो समाप्त भी कहलाता है कि यौगिक में घटक समान होता है लेकिन संरचना और गुण भिन्न होते हैं तो समाव्य अगला है जैसे एग्जाम्पल इथेन इथर क्या है इथेन यौगिक जिनका सूत्र C2H6O होता है उसके कौन कौन से समाव्य होते हैं तो डाई मिथाइल इथर यानी CS3, और इथेनॉल भी कह सकते हैं सी एस थ्री सी एस टू ओ एच जब कोई अभिकारक किसी असंतृप्त तो हाइड्रोकार्बन के साथ संयोजित होता है तो ऐसी प्रतिक्रिया क्या कहलाती है तो वह है संयोजन अभिक्रिया जब कोई अभिकारक किसी यौगिक के परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है तो ऐसी प्रतिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया जटिल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों के एंजाइमों की उपस्थिति में सरल पदार्थों में टूट जाते हैं ऐसी घटना कहलाती है किनबन या फर्मेंटेशन कहलाती है जब ग्लूकोज को ग्लूकोज के साथ मिलता है तो क्या बनता है माल्टोज बनता है सरकरा चावल में पाया जाता है सबसे मीठी चीनी कौन सी है तो वो है फ्रुक्टोज क्या है फ्रुक्टोज कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और सीओ टू में परिवर्तित करता है तो वो है जाइमेज क्या है जाइमेज जो चीनी नहीं है लेकिन चीनी से पाँच सौ गुना अधिक मीठा है उसे क्या बोलते हैं साइक्रिन क्या कहते हैं साइक्रिन बोलते हैं उत्प्रेरक और एंजाइम के बारे में जानते हैं क्या है जो मानव शरीर में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं तो वो है एंजाइम प्रथम विश्व युद्ध में प्रयुक्त कौन सी एक जहरीली गैस है तो वो है मस्टर्ड गैस क्या है मस्टर्ड गैस वह रासायनिक पदार्थ जो प्रतिक्रिया में भाग लिए बिना प्रतिक्रिया करता है जिससे प्रतिक्रिया की दर बदल जाती है यानी दर कम हो जाती है या बढ़ जाती है उसे बोलते हैं उत्प्रेरक है क्या है उत्प्रेरक उत्प्रेरक की खोज किसने की तो बर्जिलियस ने क्या है बर्जिलियस ने गन्ने से फ्रुक्टोज ग्लूकोज बनाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है तो इन्वर्टेज का क्या है इन्वर्टेज का ग्लूकोज में एल्कोहल बनाने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है ग्लूकोज में एल्कोहल बनाने के लिए ग्लूकोज से एल्कोहल बनाने के लिए तो वो है का उपयोग किया जाता है पेप्सिन एंजाइम का उपयोग क्या है तो प्रोटीन से पेप्टाइड बनाने में दूध से दही बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है तो लैक्टोज के रबर उद्योग में बलनीकरण में तथा उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है तो एनिलीन अमीनो बेजिन का कौन सी धातु को एडम उत्प्रेरक कहा जाता है तो प्लेटिनम को क्या है पीटी को कहा जाता है अब आइए देखते हैं बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन के बारे में वह प्रक्रिया जिसमें बड़ी संख्या में सरल छोटे अणु आपस में मिलकर उच्च आणविक भार का एक बड़ा अणु बनाते हैं कहलाती है बहुलीकरण या पॉलीमराइजेशन कहलाती है इसमें क्या है कि इसमें बड़ी संख्या में सरल अणु यानी छोटे अणु आपस में मिलकर एक उच्च आणविक भार का एक बड़ा अणु बनाते हैं यानी छोटे छोटे मिलकर बड़े बनते हैं उसे बहुलीकरण कहते हैं विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर पोलिथीन और रबर किस विधि से बनाया जाता है तो बहुलीकरण से यानी पॉलीमराइजेशन से पौधे एवं जंतुओं से क्या प्राप्त होता है तो प्राकृतिक बहुलक प्राप्त होता है जैसे उदाहरण कृत्रिम रूप से, से उत्पादित बहुलक है उसे कृत्रिम बहुलक कहते हैं उदाहरण पोलिथीन प्लास्टिक नायलॉन पोलेस्टर पॉलीबिनाइल क्लोराइड टेफलॉन आदि अर्धकृत्रिम सेलुलोज और बल्कनीकृत रबर प्राकृतिक रबर कैसे बनाया जाता है तो आइसोप्रीन के मोनोमर्स के बहुलीकरण द्वारा प्राकृतिक रबर बनता है आइसोप्रीन के के मोनोमर्स बहुलीकरण द्वारा कौन सा सिंथेटिक पदार्थ है जो कार्बनिक यौगिकों के बहुलीकरण द्वारा द्रा बनाया जाता है तो वह है प्लास्टिक लाख किस बहुला का उदाहरण है तो प्लास्टिक का जो है उदाहरण है प्लास्टिक को बार बार नरम करने को कहा जाता है थर्मोप्लास्टिक क्या है थर्मोप्लास्टिक उदाहरण पोलीथिन पोलिप्रोपाइन पोलियन एफलॉन पी आदि ये सब जो है थर्मो है वह बहुलक जो फिनाइल एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा बनाया जाता है पोलीस्टायन क्या है पोलियस्टायन अम्ल की बोतलें बैटरी कवर आदि बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है तो पोलियस्टायरिन का पोलियस्टायन का गर्म करने पर केवल एक आकार में ढाला जा सकता है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उदाहरण बैकेलाइट मेलामाइन बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में किस बौला का उपयोग किया जाता है तो कैबिलर को क्या है कैबलर को कई बार यह पूछा जाता है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में किस बौला का उपयोग किया जाता है कैबिलर को क्या है कैबिलर को, को। प्राकृतिक रेसे प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेसे प्राप्त होते हैं, हैं जानवरों और पौधे से किससे जानवरों और पौधों से जानवरों से प्राप्त होने वाला रेशम किससे बनता है तो प्रोटीन से बनता है जूट कपास पौधों से प्राप्त होते हैं सेलुलोज से क्या है सेलुलोज से सिंथेटिक फाइबर का संश्लेषण कैसे किया जाता है तो प्रयोगशाला में पेट्रोकेमिकल्स की मदद से किया जाता है मानव द्वारा प्रथम संश्लेषित फाइबर कौन सा है तो वो है नाइलॉन क्या है नाइलॉन बहुलक किससे प्राप्त होता है तो सेलुलोज से से। ग्लैक्टोजा सरकरा, किन शर्कराओं को मिलने से बनता है तो लैक्टोज या ग्लूकोज से बनता है अब आइए देखते हैं इसके प्रमुख वन प्रमुख एमसी इथेनॉल का समझात खाली स्थान है इथेनॉल का समझात खाली स्थान है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेथेनॉल क्या है मेथेनॉल निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा एक ही समझातीय श्रृंखला में होगा एक ही समझातीय श्रृंखला में होगा और इसका सही जवाब हो जाएगा सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री और सी टू एच फाइव सी एच थ्री जो है वो एक ही समझातीय श्रृंखला में होगा कीटोन सजातीय श्रृंखला में के क्रम पहले और दूसरे सदस्य खाली स्थान है और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेथेनोन और इथेनोन मेथेनोन और इथेनोन समझात श्रृंखला में क्वनांग के क्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है तो वो है आणविक द्रव्यमान बढ़ने के साथ क्वनांग जो है क्या होता है बढ़ता है सही विकल्प चुनकर एल्कोहल की दी गई समझाती श्रृंखला को पूरा करें सी एच थ्री ओ एच सी टू एच फाइव ओ एच टू सी एच फोर सी फोर एच नाइन ओ एच इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा सी थ्री सेवन ओ एच सी थ्री एस सेवन ओ एच हो जाएगा अगला है निम्नलिखित में से किस सेट के सभी यौगिक एक ही सजातीय श्रृंखला के है आंसर होगा सी थ्री एच सी फोर एच टेन सी फाइव जो है एच है यानी दुगुना करके दो जोड़ा गया है इसका जो सूत्र हो गया है, वो है सी एन एच टू एन प्लस तू, अगर मान कि एन के जगह पर तीन रखे तो एच हो गया तीन दुनिया दो क्या हो गया आठ हो गया यानि C3, तो फार्मूला इसका है समान +2. है सजातीय श्रृंखला के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका क्वनाक सबसे कम है इसका सही जवाब हो जाएगा डी सी एच फोर ओ का आणविक सूत्र सी थ्री एच फोर वाला एक यौगिक खाली स्थान की सजातीय श्रृंखला से संबंधित है इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन होगा तो वो होगा केबल एलकाइन क्या है केबल एलकाइन अगला प्रश्न है कि साइक्लोहेक्सन का सूत्र क्या है साइक्लोहेक्सेन का इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सी सिक्स एच बारा सी सिक्स एच बारा साइक्लोहेक्सन का सूत्र है निम्नलिखित में किसका उपयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा इथेनॉल का क्या है इथेनॉल का उन सामग्रियों को क्या नाम दिया गया है जिन्हें ताप ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जलाया जाता है और इसका आंसर हो जाएगा ईंधन क्या है ईंधन कोक का महत्वपूर्ण उपयोग क्या है इसका महत्वपूर्ण उपयोग है धातुओं के निष्कर्षण में एक काम करने वाले कारक के रूप में संतृप्त कार्बन यौगिक समानता खाली स्थान होते हैं संतृप्त कार्बन यौगिक समानता खाली स्थान होते हैं और इसका जवाब हो जाएगा कौन सा यह हो जाएगा असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम प्रतिक्रियाशीलता प्रतिक्रियाशील भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है यह उपयोग किया जाता है आयोडीन बिलियन का क्या है आयोडीन बिलियन का फ्रेडरिक वॉलर द्वारा यूरिया तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया गया था किस यौगिक का सही जवाब हो जाएगा अमोनियम साइनेट अमोनियम साइनेट नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर पहचाने अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं दूसरा कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत मजबूत नहीं होता है और इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों कथन जो है वो सही है निम्नलिखित में से किसका क्वनाक जो है उच्चतम होता है तो आंसर हो जाएगा एल्काइंस के क्या है एल्काइंस के वे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा बंधन होता है कहलाता है इसका सही जवाब हो जाएगा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक मिथेन में कितने एकल बंधन मौजूद हैं इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी चार प्रोपेनोइक एसिड प्रोपेनोइक जो है एसिड नाम में कौन सा प्रत्यय है तो वो प्रत्यय जो है वो है एल्काइंस का क्या है एल्काइंस का कार्बनिक यौगिकों की एक श्रृंखला जिनका कार्यात्मक समूह समान होता है लेकिन सी समूह भिन्न है कहलाती है तो ये कहलाती है समझाती है श्रेणी

प्रबल होते हैं अनुओं के मध्य प्रबल होते हैं आंसर हो जाएगा दूसरा तथा चौथा दूसरा तथा चौथा हो जाएगा कार्बोक्लिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं क्योंकि और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खनिज अम्ल पूर्णता आयनित होते हैं खनिज अम्ल पूर्णता आयनित होते हैं और कार्बोक्लिक अम्ल यांशिक आयनित होते हैं आंसर हो जाएगा ए पहला और फोर कार्बोजेलिक अम्लों की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं क्योंकि खनिज अम्ल पूर्णता आयनित होते हैं करबुदली का अमल आंशिक आयनित होते हैं सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें और इसका सही जवाब हो जाएगा अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु समान क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु समान क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं यह था केमिस्ट्री का चैप्टर छ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा धन्यवाद